मैं वजीफा कर रही हूँ 11 बार मुजम्मिल का रोजाना, अपनी बहन की जगह। वो बीमार थी बहुत, तो वो कर नहीं पा रही थी, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। कुछ अर्से पहले आपसे बात हुई थी, तो उसकी जगह फिर मुझे वजीफा करना। ओके तो शाजी टेस्टिमनी क्या है, बस मैं आपको कैसे बताऊं? आप पेड सर्विसेज पे हो ना? आप पेड सर्विसेज पे हो ना? जी, ठीक है, ठीक है, बोले जी, जी जी। तो मैं हमेशा सोचती थी अब्बू और अम्मी के वफात के बाद बहनों का सारा जिम्मेदारी अपने बच्चों की सब मुझ पे आ गई थी, और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शाजी कितने सालों से आपका प्लेटफॉर्म, आप एक पुरसकून मैका हो मेरे लिए, तो मुझे वही सुकून मिला है इस प्लेटफॉर्म से, आपसे बात करके, आपके वजीफे से। जब बेटी अपने माँ बाप के घर जाती है और उसको वो सुकून मिलता है वहाँ पे माँ बाप की छाया, छत्र छाया में। मेरी बहन इतनी बीमार थी, इतनी उसकी तबीयत खराब थी, आसान लफ्जों में बिल्कुल पागल हो गई थी वो। तो हस्बैंड की तरफ से हमेशा इतला आता था कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। मैं खुद भी पाकिस्तान में नहीं होती हूँ शाजी, तो मेरे लिए बड़ा मसला था। तो किस तरह कर करा के बस वो मैं ले आई उसको, फिर खुदा ने आकर प्लेटफॉर्म दिखा दिया। जब तक आप ना चाहे इस प्लेटफॉर्म को कोई देख सकता है, इस बात की भी मुझे आपसे बात हुई। तो अभी 7 महीने हुए है वजीफे का, वजीफा आप ही पढ़वा रहे हो और मुझे भी दिया था आपने मुजम्मिल का, उसकी जगह। वो बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी बहन शाजी,